हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फोकल लेंथ के बारे में। वैसे तो आप लोगों ने भी शायद बहुत सारे जगह से फोकल लेंथ के बारे में बहुत सारे डिस्कशन सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन भी है। इसलिए हम यहाँ पे चाहेंगे कि कितना इजीली हम आपको समझा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा जानने के लिए कि एक्चुअली में हमारे कैमरा का जो फोकल लेंथ है DSLR में वो क्या है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को तो जरूर और जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर हफ्ते चार बार आते हैं चार वीडियोस लेके, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि केवल DSLR के बारे में, DSLR के बहुत सारे छोटे छोटी चीज जो एक बिगिनर फोटोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करते हैं कि जिनके पास DSLR नहीं है वो भी कैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हैं आप ही के जो स्मार्टफोन है उससे। तो स्मार्टफोन का फोटोग्राफी का बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होता है दोस्तों। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जानने के लिए कि क्या क्या नया नया सेशन हमारे यहाँ पे आने वाले हैं, और बेल बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मैं भी पाशा आपको और एक बार स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में, द लुमियर एकेडमी ऑफ फोटोग्राफी। चलिए साथ में डिस्कस करते हैं फोकल लेंथ। दोस्तों, आपने अगर गौर से देखा होगा अपने कैमरा को, अपने DSLR को, तो आपने शायद देखा होगा कि आपके कैमरा के ऊपर एक अजीब सा सिंबल दिया हुआ रहता है। तो वो आपके दिल में शायद क्वेश्चन आता होगा कि ये सिंबल क्यों दिया हुआ रहता है। इसको हम लोग फोकल प्लेन बोलते हैं। ये जो फोकल प्लेन है ये एक्चुअली में दर्शाता है कि आपके DSLR में कहां पे सेंसर है, और जो फोकल प्लेन है उससे जो सब्जेक्ट है, यानी कि जिसको हम लोग क्लिक कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग इसी फोकल प्लेन से डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, ना ही कि लेंस के सामने से या लेंस से। तो आइए देख लेते हैं कि फोकल लेंथ एक्चुअली में किसको कहा जाता है। दोस्तों, आपको याद होगा हम लोगों ने हमारे पिछले एक सेशन में बताया था कि कैसे हम लोग फोटोग्राफ जो DSLR में होता है वो कैसे क्लिक होता है। पहले तो लेंस के थ्रू लाइट आता है, और बीचों बीच, अप्रोक्सीमेटली बीचों बीच लेंस के एक ऑप्टिकल सेंसर रहता है, वहां से टकरा के रिवर्स होके फिर वो पेंटर प्रिज्म में जाता है, और फिर हम लोग व्यू फाइंडर से देखते हैं और उसको क्लिक करते हैं, और सेंसर से वो क्लिक होके, वो इमेज क्लिक होके वो जाके सेव होता है हमारे मेमोरी कार्ड में। अगर आपने हमारा वो डिटेल डिस्कशन मिस कर गए होंगे तो हमने नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है डिटेल्स, तो उसको जरूर आप देख लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे बस यही जानना आपके लिए काफी होगा इस सेशन के लिए कि जो लाइट है वो लेंस के थ्रू आके ऑप्टिकल सेंटर से टकराती है। इस ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग पॉइंट ऑफ कन्वर्जन भी बोलते हैं। यहाँ से ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जन या फिर ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से लेके आपका जो फोकल प्लेन है, यानी कि आपका जो सेंसर है, वहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यही है डेफिनेशन एक्चुअली में फोकल लेंथ का। आइए दोस्तों, कुछ एग्जांपल के थ्रू, कुछ लेंस का एग्जांपल लेके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फोकल लेंथ कौन कौन सी लेंस में कैसे वैरी करती है। दोस्तों, लेंस के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि फील्ड ऑफ व्यू या एंगल ऑफ व्यू किसको कहते हैं। फील्ड ऑफ व्यू या एंगल ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोकल लेंथ को जानने के लिए। दोस्तों, फील्ड ऑफ व्यू यानी कि आप कौन से लेंस में कैसे अपने सब्जेक्ट को देखेंगे। मान लीजिए आप एक 50 ब्लॉक यूज कर रहे हैं या 50 mm लेंस यूज कर रहे हैं, हम लोग 50 mm ही बोलते हैं उसको, 50 mm लेंस आप यूज कर रहे हैं, तो 50 mm को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लेंस, क्योंकि आप खुली आंखों से जितना तक देख सकते हैं, एक 50 mm लेंस को अगर आप FX बॉडी में लगा के उसको यूज करेंगे तो आपको भी वैसा ही दिखाई देगा, इसलिए इसको नॉर्मल लेंसेस बोलते हैं। और 50 mm से आप फोकल लेंथ को जितना घटाएंगे, 35 mm हो गया, 18 mm हो गया, 15 mm हो गया, आप उसको जितना भी घटाते जाएंगे उतना ही आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है या फिर एंगल ऑफ व्यू है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि वाइड होता जाएगा। इसीलिए इन सारे लेंसेस को बोलते हैं वाइड एंगल लेंस। ऐसे बहुत सारे लेंसेस हैं जिसमें कि आप अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री तक देख सकते हैं।
उन सारे लेंसेज को हम लोग बोलते हैं फिशाई लेंस। और दोस्तों जो 50mm लेंस है उसके ऊपर आप जितना भी जाएंगे, मान लीजिए आप 85mm यूज कर रहे हैं या फिर 130mm या फिर 200mm या फिर 300mm, जितना ही आप ऊपर होते जाएंगे आपका फील्ड ऑफ व्यू या एंगल ऑफ व्यू जो होगा वो कम होता जाएगा। यानी कि जैसे कि आप 15mm में जो लेंस आप यूज कर रहे थे जहां पे आपको बहुत वाइड दिखाई दे रहा था, आप जब 200mm लेंस यूज कर रहे हैं किसी एफएक्स बॉडी में तब आपका जो एंगल ऑफ व्यू है वो शॉर्ट हो जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो आपके बहुत करीब आता जाएगा। जितना भी घटाएंगे फोकल लेंथ को उन सारे लेंसेस को हम बोलते हैं वाइड एंगल लेंस, और जितना भी हम ऊपर जाएंगे 85, 200 ऐसे लेंस में हम लोग जाएंगे उन सारे लेंसेस को हम लोग बोलते हैं टेलीफोटो लेंस। दोस्तों ये दोनों लेंस के अलावा भी हम लोग और एक लेंस यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल फोकल लेंथ लेंस या फिर जूम लेंस। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, शायद आप यूज कर रहे हैं 1855mm की लेंस। इसका मतलब ये है कि आपको वाइड से लेके थोड़ा सा टेली तक मिल जाएगा 1855, 2470 लेंस, तब आपको मिल जाएगा एकदम वाइड से लेके एकदम थोड़ा सा टेली तक। तो इसको हम लोग बोलते हैं वाइड टू टेली लेंस। और अगर आप यूज कर रहे हैं 70 से लेके 200 तक कोई लेंस, जिसमें 70 से आप 200 तक वैरी कर सकते हैं आपका फोकल लेंथ, आप जितना चाहे उसको रख सकते हैं फोकल लेंथ, इन सारे लेंसेस को जो 50mm से ज्यादा है वहां से लेके, मान लीजिए 85 जो है वो 50mm से ज्यादा है और 200 जो है वो भी 50mm से ज्यादा है, तो ये तो टेलीफोटो लेंस के अंदर आ गया। तो इन ये जो 85 से 200mm या 70 से 200mm जो लेंस हम लोगों को मिल रहा है, इन सारे लेंसेस को हम लोग बोलते हैं टेलीफोटो जूम लेंस। अगर आप वाइड एंगल लेंस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक लेंस है जो वेरिएबल फोकल लेंथ है, उसका फोकल लेंथ है 16 से लेके 35 तक, तो आपको यहाँ पे वेरिएबल फोकल लेंथ तो मिल रहा है लेकिन वाइड एंगल में ही मिल रहा है। तो इन सारे जो लेंसेस है इस टाइप का लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं वाइड एंगल जूम लेंस। अगर आप यूज कर रहे हैं कोई जूम लेंस, तो देखिए अभी मेरे पास एग्जाम्पल के थ्रू मैं ले रही हूँ 24mm टू 85mm, आप देखेंगे आपके लेंस के बीचों बीच एक्चुअली में लिखा रहता है कि आपका जो लेंस का फोकल लेंथ है वो कितना है। यानी कि इसको आप 24 में भी कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इसको 85 में भी कर सकते हैं। और अगर आप 50mm कोई लेंस यूज कर रहे हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो जितना आपका फोकल लेंथ है उतना ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं आपका जो लेंस है उसके बीचों बीच में ये लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं जूम करो, जूम एक्चुअली में नहीं होता है, वो गलत चीज है। जूम इन यानी कि आप डिस्टेंस को जो है वो घटाना चाहते हैं सब्जेक्ट से, यानी कि सब्जेक्ट को आप लाना चाहते हैं करीब, तब आप करते हैं जूम इन। और आपको चाहिए वाइड, यानी कि आप चाहते हैं कि नहीं सब्जेक्ट दूर में ही रहे और अब ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो कवर हो सके, तब हम कहते हैं जूम आउट। तो जूम इन या जूम आउट होता है, यानी कि वाइड एंगल और टेली फोटो होता है। तो दोस्तों शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया है कि ये फोकल लेंथ का पूरा चीज जो है डिटेल्स क्या है। अगर आपके दिल में कोई भी डिस्कशन आप करना चाहते हैं और भी हम लोगों के साथ, या फिर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हम कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके मेल कर सकते हैं हम लोगों को, हम लोग जरूर आपका जो रिप्लाई है उसको लेके जल्द से जल्द आपके पास पहुंचेंगे। और जरूर शेयर कीजिएगा आपके फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्ती बनाने के लिए और एक फोटोग्राफी जोन क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सब्सक्राइब करके जाइएगा मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।